आप सभी को। मेरा नाम विशोका शाह है और मैं कर्णवमी कक्षा में पढ़ती हूँ। मैं केंद्रीय विद्यालय जीरो से हूँ और आज जो रूट्स टू रूट्स के द्वारा जो दिए गए प्रदर्शन सर ने दिखाया हमें, वो बहुत ही अच्छा लगा हमें। हमें क्लासिकल डांस फॉर्म्स, क्लासिकल सॉन्ग्स के बारे में पता चला जो मुझे भी नहीं पता था इतने अच्छे से। उन्होंने राम के बारे में बताया, उन्होंने हमें ये बताया कि नृत्य का भगवान कौन है, श्री शंकर और पार्वती माता। उन्होंने हमें बहुत सारे चीजें सिखाए, नवरसों के बारे में बताया। उन्होंने दो क्लासिकल गानों संगीत के बारे में बताया। हम बहुत ही खुश है कि आप हमारे आए ऐसे जगह जहाँ तक बहुत रिमोट एरिया में आप हमें ये सब दिखाने आए, हमें बताने आए, हम सचेत कराने आए। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि आप इतने दूर उत्तर प्रदेश से यहाँ आए हमें सिखाने कि भरतनाट्यम क्या होता है। वैसे मैं अपनी संस्कृति को लेकर बहुत ही ज्यादा सचेत हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि मॉडर्न बनना सही है पर अपनी संस्कृति को बोलना गलत है। अपनी संस्कृति आपका एक तरह का पहचान है जो आपको याद रखनी ही होगी। हमारे भारत में जो क्लासिकल डांस उनका प्रचलन धीरे धीरे कम हो रहा है। कोई भी अभी क्लासिकल डांस ना ही सीखता है और ना ही उन्हें सुनता है। तो मैं चाहती हूँ कि इसी सचेतना और इसी चीजों के साथ हम इन चीजों का ये ध्यान रखेंगे और सभी को इस चीज के लिए प्रेरित करेंगे कि क्लासिकल डांस और क्लासिकल सॉन्ग हमारे भारत के संस्कृति का एक हिस्सा है जो हम सभी इस चीज पर गर्व करते हैं कि हम इस भारत भूमि के बेटे और बेटियां हैं जिसमें इतना बड़ा क्लासिकल डांस और क्लासिकल सिंगिंग ये सारी चीजें हमारे पास है। तो हमें गर्व होना चाहिए और जोर से बोले भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।